स्कूल की किसी समस्या को सामने लाना हमारी जिम्मेदारी, शिकायत के निवारण में हो पंचायत की भागीदारी। तो आइए इसी विषय पर सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी को हमारा प्रणाम। सुखी रहो विद्या बेटी, तुम्हारे साथ साथ सभी सुनने वालों को भी मेरा आशीर्वाद। काकी, आशीर्वाद के कुछ छींटे जरा इधर भी फेंक दो तो मेरे भी बनते काम बिगड़ जाएंगे, मतलब कि बिगड़ते काम बन जाएंगे। अच्छा, तो बिना प्रणाम वरनाम किए आशीर्वाद चाहता है रे तू चंदू। और सुन, और तेरे कौन से काम बनेंगे? अरे हमारे साथ ये जन पहल प्रोग्राम तो पेश करता ही है तू। सुन लिया विद्या बहन, ये काकी कितनी कंजूस है, आशीर्वाद देते हुए भी जैसे इनकी जेब ढीली हुई जा रही है। नहीं नहीं चंदू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि स्कूल संबंधी किसी शिकायत के निवारण में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका हो सकती है। भाई मेरी समझ तो यही कहे है कि इलाके के वासियों की ऐसी कोई शिकायत हो तो पंचायत को जरूर उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ काकी। अरे चंदू, अब तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है, क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं विद्या बहन, आप बढ़ाओ अपनी बात को आगे। अरे बताओ ना क्या हुआ। लगता है मुझे भी अपनी बात ग्राम पंचायत में रखनी चाहिए, वहीं मेरी सुनी जाएगी। अरे बोल ना, क्या है तेरे जी में, ड्रामा क्यों कर रहा है? काकी तुमने कही कि मैं ये प्रोग्राम पेश करने लगा हूँ, तो इसमें तुमने क्या किया? ये प्रोग्राम तो मुझे मेरे सयानेपन के कारण मिला। ओहो, तेरे जैसे दो चार सयाने और हो जाएं गांव में तो लोग दूर दूर से दर्शन करने आएंगे हमारे गांव के कि यहाँ ऐसे महापुरुष बसते हैं। वाह वाह। काकी वा, वा। काकी तुम खुद को बड़ी सयानी समझती हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। चल निकाल ले तू भी अपनी भड़ास, पूछ सवाल। काकी, एक नीम के पेड़ के नीचे पांच लोग बैठे हैं, उनमें से एक हमारे उत्तर प्रदेश का है, एक राजस्थान का, एक हरियाणा का, एक पंजाब का और एक ठंडक वाले हिमाचल प्रदेश का। एक हमारे उत्तर प्रदेश का, एक राजस्थान का, एक एक हरियाणा और पंजाब का, और एक कहाँ का बताया? हिमाचल प्रदेश का। तो अब उस पेड़ से गिरता है एक आम। हाँ। तो बताओ उस आम को पहले कौन उठाएगा? भाई हम यूपी वाले आम के बड़े शौकीन होते हैं, तो पहले हमारे प्रदेश का वासी ही आम उठाएगा। बस दिखा दिया अपना सयानापन। अरे काकी, चंदू ने कहा कि एक नीम के पेड़ के नीचे पांच लोग बैठे थे, तो नीम के पेड़ से आम कैसे गिरेगा काकी? रे, बातों के घुमाव में उलझा दिया मुझ बुढ़िया को इस चंदू ने। अच्छा चल, तो अब पड़ गई तुझे ठंडक, अब अपनी बात शुरू करें। हाँ काकी, खुशी खुशी करो। हाँ चंदू, तो हम बात कर रहे थे कि स्कूल या विद्यालय प्रबंध समिति से जुड़ी कोई शिकायत हो, किसी बच्चे की, अभिभावक की या फिर किसी अध्यापक की, तो उसके निवारण के लिए पंचायत को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जरूर निभानी चाहिए विद्या बेटी। अब देखिए ना, पंचायत विकास योजना में विद्यालय विकास योजना को जोड़ दिया गया है। पंचायतें स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़ाने के लिए उपाय कर रही हैं। तो मतलब पंचायत कई तरीकों से स्कूल के विकास के साथ जुड़ गई है, तो उसे फिर संबंधित शिकायतों का निवारण भी करना चाहिए। और इसके लिए एक तरीका बनाया जाना चाहिए, है ना? हाँ काकी,
वैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भी एक शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके बारे में भी हम आने वाले किसी कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन पहले इसी पंचायत वाली शिकायत के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए हम सुन लेते हैं एक लोकगीत। क्या बात करती हो विद्या बहन, क्या लोकगीत सुनवार का जानकारी दोगी? मैं जानती हूँ, जब मैं कहती हूँ आज के विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं एक नाटिका को सुनकर, तो तुम कहते नहीं विद्या बहन पहले एक लोकगीत सुन लेते हैं, तो मैंने पहले ही तुम्हारे मुंह की बात छीन ली। वाह विद्या बहन, मेरी तरह तुम भी सयानी हो गई हो। चलो अब तुमने कह दिया तो मैं सुनवा देता हूँ ये लोकगीत और उसके बाद आज की नाटिका। भाई बहनों, अच्छा लोकगीत से पहले मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। गांव में मेरा एक दोस्त था ननकू, तो ननकू ने इस बार अपने बेटे का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। तो मैंने पूछा, भाई ये जन्मदिन कितनवा जन्मदिन है तुम्हारे बेटे का? तो वो बोला, ये तो पता नहीं लेकिन अभी मैं पहली बार मना रहा हूँ। तो मैंने कहा, पहली बार क्यों? कहता है, बचवा इस बरस स्कूल में दाखिल हुआ है तो अब उसका जन्मदिन मनाने का कोई मतलब निकलता है। तो जब उसने ये बात बोली तो मुझे ये लोकगीत याद आ गया। लीजिए आप भी सुनिए जन्मदिन की बधाई का ये गीत। जन्मदिन बेटा को आयो रे, बधाई देवे हर कोई आयो रे। जन्मदिन बेटा को आयो रे, बधाई देवे हर कोई आयो रे। अरे शन्नो रानी, भाई एक लोटा ठंडा पानी तो ले आओ। लो बापू, पानी पियो। अरे बहू, तुम पानी ले भी आई? बाबूजी, मैं तो तश्तरी में आपके लिए मीठा भी लाई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रख दो बेटा, इधर रख दो रख दो। बापू, आप थके थके लग रहे हो। हाँ बहू, एक दो जगह जाने को था, फिर पंचायत के भी एक दो काम थे, सुधे में कुछ थकान तो होगी बेटा। तो मैं आपके सर में तेल चंपे कर दूं, सारी थकान दूर हो जाएगी? अरे नहीं नहीं बहू, रहने दो बेटा। क्यों बापू, चंपी में तो बहुत आनंद आता है। बहू, तुम्हारा तो नाम ही आनंदी है भाई, तुम्हारी सेवा से तो आनंद आता ही है। लेकिन बेटा, मुझे तो आनंद तब आता है जब तुम अपने मायके के गाँव की कोई बात सुनाती हो। हाँ जी हाँ, बहू को तो अपने गाँव की बढ़ाई करने की आदत है। शन्नो रानी जी, अभी तक तो तुम नजर आई नहीं, अब बहू को बात सुनानी थी तो फौरन चली आई। तुम तो बस चुप ही रहो जी। अम्मा जी चलिए, आज मैं इस गांव की बात सुनाती हूँ। क्यों बापू, ग्राम पंचायत के लिए कोई बात बताऊँ? हाँ क्यों नहीं बहू, क्यों नहीं। अरे भाई, पंचायत प्रधान होने के नाते मुझे तो ऐसी कोई बात जरूर सुननी चाहिए। बापू, पंचायत तो आजकल गाँव के स्कूल के विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ बहू, भाई विद्यालय प्रबंध समिति को भी हम पूरा सहयोग देते हैं। तो बापू, अगर स्कूल की किसी समस्या या कमी को लेकर कोई अभिभावक, अध्यापक या कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है तो पंचायत को उसकी बात भी सुननी चाहिए। भाई तुम्हारा मतलब शिकायतों का निपटारा करना चाहिए है ना, पर ये काम तो एसएमसी वाले करते ही हैं। और अगर एसएमसी के बारे में कोई शिकायत हो तो? और बापू, पंचायत की निष्पक्षता पर लोगों को विश्वास है तो ये विश्वास कायम रहना चाहिए। भाई बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, पर इसके लिए
क्या तरीका अपनाना चाहिए? अरे पहले कुछ खा पी लेते, फिर सुन लेते बहू की बात। बहू तुम भी ना बस बोलने ही लग जाती। अरे क्यों बहू को टोकती हो? अब बात शुरू हुई है तो पूरी तो होने दो। हाँ बहू तुम कहो बेटा। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत को इलाके के वासियों में ये प्रचार करना चाहिए कि स्कूल से जुड़ी कोई शिकायत हो तो SMC के जरिए या सीधे पंचायत तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हम ये प्रचार भी कर देंगे। अब सब शिकायतों पर गौर करने के बाद पंचायत को 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार शिकायतों के निपटारे का दिन तय करना चाहिए। इस दिन शिकायत करने वालों के अलावा SMC के सदस्यों, अध्यापकों और बच्चों के माता पिता को बुलावा भेजना चाहिए। मतलब ऐसी सभा में अधिक से अधिक लोगों को आना चाहिए। अब इस सभा में 3 काम जरूर होने चाहिए। बहू तो आपके काम ही बढ़ाई जा रही है। तुम भी काम देख लो भीतर जाकर। हाँ बहू तुम कहो बेटा। पहला काम तो ये कि पंचायत तक पहुंची शिकायतों के निपटारे के लिए शिकायतों से संबंधित लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए और इस तरह पंचायत के सदस्यों को शिकायत दूर करनी चाहिए। भाई यहाँ तो पंचायत अपने अधिकारों का इस्तेमाल भी कर सकती है और इस बारे में शिकायत निवारण सभा में मौजूद लोगों से सलाह भी ले सकती है। अब इस सभा में जो दूसरी बात की जानी चाहिए वो यह है कि जिन लोगों ने अपनी शिकायत SMC यानी विद्यालय प्रबंध समिति तक पहुंचाई है तो SMC ने उसके बारे में क्या कार्रवाई की है, इस बारे में पूछताछ की जानी चाहिए। इस बारे में तो पंचायत SMC को सलाह भी दे सकती है। जी हाँ दे सकती है बाबू। अब सभा में तीसरा बड़ा काम पंचायत को ये करना चाहिए कि पिछली सभा में जिन शिकायतों पर फैसला हुआ था उस पर कितना अमल हुआ इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। इस बारे में उनके सवालों के सही जवाब दिए जाने चाहिए। ठीक कहा बहू तुमने, हम कल ही पंचायत के इस फर्ज को निभाने की तैयारी करते हैं। एक बात तो बता बहू, तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से मिली? बुरा तो नहीं मानोगी अम्मा जी? तुम कहो तो। असल में मेरे मायके के गांव की पंचायत ये काम पहले से ही कर रही है, सो मुझे सब पता है। लो फिर कर दी ना अपने गांव की बात है। पर ये जो बात तेरे मायके के गांव में हो रही है ये हर गांव की पंचायत में होनी चाहिए। हाँ। तभी तो मैंने बताई अम्मा जी। भाई नाटिका में सास बहू का कहना सुनना तो बहुत ही बढ़िया था और जानकारी भी पूरी दी गई। हाँ काकी, और अब ऐसा ही एक संदेश भी हम सुन लेते हैं। मैं पंकज पांडे, सीनियर प्रोफेसर शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जन पहल रेडियो कार्यक्रम जो कि यूनिसेफ और सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से चलाया जा रहा है, एक महत्वाकांक्षी मैं कहूँगा कार्यक्रम है और इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से आएंगे क्योंकि विद्यालय प्रबंध समितियों को उन्नयन हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं सर्व शिक्षा अभियान या यूनिसेफ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी प्रसारित होने वाले उन सुझावों को सम्मिलित किया जा सके। धन्यवाद। हाँ तो चंदू, अब प्रोग्राम में आगे क्या करने का है इरादा? घड़ी की सुइयां तो यही बता रही हैं कि अब अगले प्रोग्राम में मिलने का करो वादा। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी, आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में।